गुड मॉर्निंग। आज हम एक ऐसा प्रोजेक्ट पर हम लोग बात करेंगे कि लोगों के मेंटेलिटी पर बात करेंगे। आज हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि काम किस तरह का होना चाहिए, क्या हम MLM इंडस्ट्री को क्यों चूज करते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस चीज़ को जो है कि इस स्लाइड के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर काम दो तरीका का होता है। एक होता है आपका हार्ड वर्क मेंटेलिटी के लोग होते हैं जिनका दिमाग में हमेशा ये बैठा रहता है कि हम काम करेंगे, यानी कि हार्ड वर्क मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे तो ही बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, राइट। वहीं पर नेक्स्ट मेंटेलिटी के एक लोग आते हैं जो स्मार्ट वर्क को फोकस करते हैं, यानी स्मार्ट सोच रखते हैं। ठीक है, ये दो तरह के लोग होते हैं और ये दोनों लोग में क्या अंतर होता है, आज हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम या इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसे देखिए दोस्तों, अगर हम लोगों की बात करें, अगर हम लोगों की बात करें तो 80% लोगों का मेंटेलिटी यही रहता है हार्ड वर्क को वो फोकस करते हैं। 80% फोकस ऑन हार्ड वर्क, फोकस ऑन हार्ड वर्क। मात्र पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो 20% लोग जो होते हैं स्मार्ट वर्क को फोकस करते हैं। अब ये दोनों में होता क्या है? फोकस, हम लोग हर घर के बच्चे का या गार्जियन का, एज ए गार्जियन हम भी हैं, मुझे भी उस तरह का ट्रीट किया गया है, या आज भी बहुत ऐसे 80% लोग ऐसे ही बच्चे को अपना ट्रीट करते हैं। जैसे मान के चलिए हम लोग बच्चे को डांटते हैं, पीटते हैं, मतलब पढ़ने के लिए, ठीक है कि बेटा अच्छा से पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो तुम फेल हो जाओगे और तुम्हें अच्छा जगह पर नौकरी नहीं। यानी कि एज ए गार्जियन में हर घर में, यानी कि 80% के घर में यही सीख दिया जाता है। कभी हम लोग ये फोकस नहीं करते हैं कि बेटा अच्छा से पढ़ो लिखो और कहीं पर तुमको मालिक बनना है, नहीं। तो ये मेंटेलिटी हमको बदलना पड़ेगा और बच्चे को हम नॉलेजेबल बनाएंगे, क्योंकि बिना एजुकेशन का कुछ नहीं होने वाला है। नॉलेज तो रहेगा मगर वो नौकरी पाने वाला नॉलेज, अभी तक जो ट्रेंड चलते आ रहा उससे थोड़ा सा ऊपर का नॉलेज बचपन से ही गाइड कीजिए ताकि उसका सोच डेवलप हो और वो आगे कुछ बड़ा कर सके, राइट। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, ये तो हो गया लोगों का फोकस, ठीक है, 80-20 का रेशियो चलता है। अगर हम वेल्थ की बात करें, वेल्थ की बात करें तो 80% लोगों के पास मात्र 20% धन होता है, वेल्थ होता है। और अगर हम बात करें 20% लोगों के पास 80% धन होता है, यानी कि मनी। यहां पर लिख दिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, पैसा, ठीक है। यानी 20% लोगों का फोकस रहता है हार्ड वर्क का कि मैं अकेले काम करके बहुत ज्यादा सफल हो जाऊंगा, और 20% लोगों का फोकस रहता है कि हम लोगों क्यों होता है, ठीक है, क्यों ये रेशियो में धन होता है। 80% लोगों के पास मात्र 20% धन और 20% लोगों के पास 80% धन, ये क्यों होता है इसको हम लोग जानेंगे। क्योंकि हार्ड वर्क करने वाले व्यक्ति सेल्फ वर्क करता है और जो स्मार्ट बंदा होता है इनके साथ ये टीम वर्क करता है। ये क्या करता है, हार्ड वर्क व्यक्ति सेल्फ अकेले काम करके सफल होना चाहता है और स्मार्ट वर्क वाले बंदा जो होते हैं वो अपने साथ कुछ लोगों को, यानी कि एक टीम क्रिएट करके काम करना चाहते हैं। जैसे इसको और हम समझने का प्रयास करेंगे, जैसे मान के चलिए एक व्यक्ति, एक आदमी
दिन भर में अगर 10 घंटा काम करता है तो उनको कितने देर कितने घंटा का पैसा मिलना चाहिए? जी 10 घंटा का, ठीक है। यानी एक व्यक्ति दिन भर में 10 घंटा काम करता है तो उनको 10 घंटे का पैसा मिलेगा। और मान के चलिए कि अगर 10 घंटा में अगर वो 20,000 रुपया कमाते हैं, राइट, इसको थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। उसी जगह पर एक व्यक्ति जो स्मार्ट सोच रखते हैं, ये स्मार्ट सोच वाले व्यक्ति उनके पास टीम वर्क करते हैं। मान के चलिए कि इनके पास 100 लोगों का टीम है, ये होगी आपका टीम, इनके पास 100 लोगों का टीम है और ये 100 लोग इस व्यक्ति के लिए मात्र 1 घंटा का टाइम दे रहे हैं। तो इनका काम, इस व्यक्ति का काम कितना घंटा हो गया? 100 घंटा। यानी और ये 100 घंटा काम करके मान के चलिए कि ये भी 20,000 रुपया कमा रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब मान के चलिए कि इनको अगर 40,000 रुपया अगर कमाना हो तो इनको आवर बढ़ाना होगा, यानी कि 10 से 20 घंटा इनको काम करना होगा, तभी इनका इनकम बढ़ेगा। ओवर टाइम करना होगा तभी इनका इनकम बढ़ेगा। अगर मान के चलिए कि अगर इनको अगर 60,000 रुपया चाहिए तो फिर इनको क्या करना होगा, यहाँ पर इनको घंटा बढ़ाना होगा, यानी कि 30 घंटा। अब 24 घंटा का समय ही होता है और 30 घंटा अगर ये काम करेंगे तभी जो है, यानी कि घंटा बढ़ाएंगे तभी इनके पास ज़्यादा इनकम कर पाएंगे। यानी ज़्यादा पैसा कमाने के लिए हमको ज़्यादा काम करना होगा, ज़्यादा समय काम करना होगा, तभी हम इनकम, जो पॉसिबल नहीं है। उसी लिए अकेले काम आदमी पूरा जीवन करता रह जाता है और वो सफल नहीं हो पाता है, खा पी कर मतलब लास्ट में बराबर कर देता है, राइट। क्योंकि हम लोग शुरू से फोकस स्मार्ट वर्क तरफ जाने का हम लोग प्रयास किए नहीं, मगर यहाँ पर दूसरे जगह पर आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर नो ऑप्शन, यहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन बोलकर नहीं है, ठीक है। मगर यही अगर स्मार्ट सोच की अगर हम तरफ जाते हैं, अगर एक व्यक्ति दिन, अगर इनको मान के चलिए इनको अगर 40,000 रुपया कमाना है, इनके पास जगह क्या है, इनके लिए भी 24 घंटा होता है दिन, इनके लिए भी यानी कि हर व्यक्ति के लिए 24 घंटा यानी बराबर समय है, ठीक है। एक व्यक्ति को अगर इनकम ज्यादा चाहिए तो इनके पास ऑप्शन कहाँ है कि आज 100 लोग मेरे साथ है तो 20,000 रुपया कमा रहे हैं, तो प्रयास करके इनके पास ऑप्शन है कि ये अपना टीम साइज को बड़ा कर ले, यानी कि अगर ये टीम साइज अगर बड़ा कर ले और 200 लोग अब इनके लिए अगर 1 घंटा ही काम करता है, इनका टाइम सर 200 घंटा हो गया और इनका इनकम भी यहाँ बढ़ गया, राइट। उसी तरह से अगर इनको अगर 60,000 रुपया अगर चाहिए तो क्या करना है, यही आदमी है सिर्फ यहाँ पर फोकस करेंगे, आज 200 में मेरा 40,000 रुपया ही आ रहा तो मेरा प्रयास रहेगा यानी टीम साइज को 300 कर ले और ये 300 लोग 1 ही घंटा काम करेंगे तो इनका इनकम बड़ा हो गया। यानी इसी तरह से अगर हमको 1 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, उसके हिसाब से मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन बचा हुआ है कि इस ऑप्शन को हम जितना बड़ा से बड़ा कर लेंगे तो मेरा इनकम उतना ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सकता है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। मगर यहाँ पर क्या है, ऑप्शन आपका है ही नहीं, उसी लिए पूरा जीवन आदमी काम करने के बाद खत्म हो जाता है और स्मार्ट वर्क व्यक्ति के पास ऑप्शन रहता है और वो अपना इनकम को टाइम टू टाइम जितना चाहे उतना बढ़ा करके लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा फोकस करने का ये था सेम कि MLM जो होता है अपने आप को स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क से कन्वर्ट करके स्मार्ट वर्क में तब्दील करने का हर व्यक्ति का प्रयास होना चाहिए अगर उनको बहुत आगे जाना है तो, ठीक है। और अगर यही रेशियो मान के चलिए कि पूरा धन को इकट्ठा मिला दिया जाए, पूरा धन को
इकट्ठा मिला दिया जाए और बराबर बराबर लोगों में बांट दिया जाए तो सारे लोगों के पास एक बराबर अमाउंट हो जाएगा। मगर फिर भी अगर मेंटेलिटी की बात करें तो 80% लोग का मेंटेलिटी हमेशा हार्डवर्क तरफ रहता है और मात्र 20% ही लोग के तरफ जो है कि स्मार्ट वर्कर रहता है। तो 7 साल बाद अगर हम 7th ईयर की बात करें, आफ्टर 7 ईयर फिर से ये आपका यही रेशियो में आके खड़ा हो जाएगा अमाउंट। क्योंकि अगर हम हार्ड वर्क मेंटेलिटी के हैं तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी के अंदर में जाकर काम करना चालू कर देंगे और वो हमसे वो कमा कर वो पैसा बड़ा कर लेगा और हमको उसकी एवरेज में सैलरी मिलता रहेगा, राइट। तो ये टीम वर्क की अगर हम बात करें तो हमको टीम वर्क क्यों करना चाहिए, आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमको टीम बनाकर क्यों काम करना चाहिए कि हमको बहुत ज़्यादा सफल आगे बढ़ना है तो हमको बिना टीम वर्क का हम आगे नहीं बढ़ सकते। थैंक यू, विश यू वेल्थ।